हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं वैलरिन एम्मा। तो चलिए, आज मैं आपको देखे जा रही हूँ लोनावला पावना लेक। बहुत ही पीसफुल प्लेस है, बहुत शांत है, विथ ऑल द फ्रेश एयर। ये एक्चुअली मेरे बच्चों की तरफ से हमारे लिए प्लान की हुई है। इट इज़ द गिफ्ट फ्रॉम माय चिल्ड्रन टू अस, एनिवर्सरी। वी आर सेलिब्रेटिंग 20 ईयर्स ऑफ एनिवर्सरी ओवर हियर, सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड। शादी को 20 साल हो गए हैं और 20 साल में हम दोनों पहली बार इस तरह से अकेले गए हैं। तो चलिए, मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरह से मैं यहाँ से ज्वाइन हुई। लेट्स सी। तो जैसे कि हमारा जो होटल्स का जो चेकिंग था वो दोपहर के 2 बजे था। तो मुंबई से लेके लोनावला ऑलमोस्ट इट वाज अबाउट 2.5 आवर्स। तो हम लोग करीब 11:30 बजे घर से निकले और इनको, मतलब मेरे हस्बैंड को, कुछ सांताक्रूज में काम था। तो वी वेंट ओवर देयर। तो जल्दी उठने के कारण लाइक आई जस्ट हैड माई कॉफ़ी, एंड जब हम घर पर रहते तो ना ऐसे हम कुछ खाते नहीं हैं वैसे ही, बट देन आई फेल लिटिल हंग्री। तो आई टोल्ड मुझे कुछ खाना है, आई जस्ट गेट समथिंग। ही टोल्ड मी ओके गो। तो ये है वियाना बेकरी जो सांताक्रूज में है। आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ी बेकरी और बहुत ही फेमस भी है। यहाँ पे बहुत सारे पफ्स, हॉट डॉग्स, केक्स, पेस्ट्रीज, बहुत सारे वैराइटीज़ मिलते हैं। यू कैन जस्ट सी, आई जस्ट टेक द कैमरा ऑन। सो नाउ वी आर ऑन द वे टू लोनावला। मैंने वहीं पे एक चिकन पैटिस खा लिया था, तो हम निकल पड़े हैं अभी। और ये मेरे हस्बैंड हैं हमेशा की तरह बिजी। तो जब मैंने वहाँ पे एक पैटिस खा लिया था, आई आस्क्ड माय हस्बैंड, आपको खानी है क्या? नहीं नहीं, मुझे भूख भूख नहीं लगती। तो खा ले, तुझे ज़रूरत है। बोला ठीक है भाई, मैंने खा लिया। अब आप देखिए गाड़ी में बैठ के खा रहे हैं। ये टनल आ चुका है, वी आर क्रॉसिंग द टनल। ऑलमोस्ट रीच लोनावला नाउ। और इनका जो जम्बो पैराडाइज, इट इज़ द नेम ऑफ दैट दिस, इट्स अ जम्बो पैराडाइज, इट्स इन लोनावला। और ये बहुत ही जंगल की तरफ है, एंड इट्स रोड्स आर वेरी 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 डेंजरस गाइस, बहुत ही डेंजरस है। सो देखिए, मैं होटल पहुँच चुकी हूँ एंड आई एम एंटरिंग द रूम। आई विल शो यू ईच एंड एवरीथिंग, सो प्लीज़ टेक अ वॉच। तो फ्रेंड्स, ये रूम बहुत ही खूबसूरत है। मैं इसमें एंट्री कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि जो लड़के हैं यहाँ पे केयर टेकर हैं, एंड मेरे हस्बैंड तो ऑलरेडी सर्वे कर चुके हैं। तो आई एम जस्ट गोइंग इनसाइड द रूम। ये बहुत ही खूबसूरत सा काउच है, बेड है यहाँ पे, और क्लीन एंड नीट है। यहाँ पे टीवी बड़ी सी लगी है, मिरर है, एंड दिस इज़ वन बाथरूम ओवर हियर। सो आई एम एंटरिंग। ये बहुत ही क्लीन है, आप देख सकते हैं। एंड आई रियली नीड क्लीन बाथरूम। कुछ भी हो, बाथरूम क्लीन होना चाहिए। सो इट्स वेरी क्लीन। एंड नाउ देखिए, बहुत अच्छा है। आई रियली लाइक्ड इट। एंड नाउ आई गो टू द हॉल, आपको हॉल दिखा देती हूँ। चलिए, तो यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारा सामान है, बहुत खूबसूरत सी पेंटिंग है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा सोफ़ा है। हॉल में भी बहुत अच्छी सी टीवी लगी है, लाइक एंड आई टेक यू टू द किचन नाउ। किचन बहुत ही क्लीन है, और ये एक सेकेंड बाथरूम है। ये रूम है एक्चुअली इट इज़ 1 BHK। यहाँ पे आप पका के खा भी सकते हैं। ये माइक्रोवेव है, यू कैन वॉर्म द फूड इफ़ यू वॉन्ट। यहाँ कुछ शेल्व्स पड़े हैं, इट्स नॉट ओपनिंग एक्चुअली, आई डोंट नो वाई। Anyway, forget it. And देखिए, such a big bedroom and ये sofa by bed. I have two bottles of water. ये तो मैंने ही मंची ली थी वियाना बेकरी से, कोला बहुत भूख लगी थी। तो आई है इसी स्टोरी में आपको बात भी बताऊँगी। एंड कुछ ओपन इट समाइम प्राइस है, चपाती है, एग्जैक्टली ओके। हाँ जो शो इसके प्लेट्स हैं ना, हम तो यहाँ पे भी हैं। आई हैव टू टेक द प्लेट्स फ्रॉम हियर, स्पून कप व्हाटएवर इज देयर, सब कुछ यहाँ पे। मैं
सो दिस इज़ द फूड वी रिसीव्ड. ये खाना है, जीरा राइस है, आलू की सब्जी है, दाल फ्राई है एंड एक पनीर की सब्जी है, चपाती है, सैलेड है, पिकल है. ये दो लोगों के लिए बहुत ही सफिशिएंट फूड है गाइस. सो दिस इज़ द फूड वी रिसीव्ड. तो हमारा लंच हो चुका है. हाय गाइस, मेरे हस्बैंड सर्वे कर रहे हो, सर्वे कर रहे हैं यहाँ पे. ये क्या है, वो क्या है, व्हाट हैपेंड? दोनों सेम है इतना रे बाबू. सेम है ना, तमाम ये रूम दे, ये रूम का चांग दे. कॉटेज से सुबह ने बुकिंग होता ना, सुबह वाला अपन कौन कौन रूम ना जो सके. अच्छा, कॉटेज तो मुझे तना नाव है, तना नाव से सुबह ने बुकिंग होता. अच्छा हां, ये दोनों रूम आगे दूंगा, चार रूम है टोटल. सेम इधर बोलो, दोनों डे दोनों क्या साइड में, दोनों क्या साइड में. अच्छा कर दी. नहीं नहीं, ये इधर एक रूम है, उधर दो क्या साइड में. ओके ओके. हां इनको बोटिंग करनी है, पर बोटिंग का 3.5 उसको किसे पूछते ना, हैंड बोटिंग क्लियर है. सोच ले, नौ भर जो क्या मैं तो जाऊंगी, फिर तू तैरते तैरते आ जाना. बदाम 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 उठा के ले लो. बचपन में हम लोग कितना ऐसे तोड़ के खाते थे. तू खाया हुआ ऐसे पोपटने का कोनी तरी खा ले. पक्षी ने कौरा अन बघ ना, एक बदामाचा जार आहे. यहाँ पे कॉफ़ी की सारी सुविधाएं हैं, लाइक देयर इज अ हॉट केटल ओवर हियर. वन सेकंड, आई विल जस्ट शो यू ऑन. तो वैसे मुझे कॉफ़ी स्ट्रॉन्ग ही पसंद है. व्हेन आई ऐड मिल्क, मैं नॉर्मली कॉफ़ी स्ट्रॉन्ग पीती हूँ, पर अब यहाँ पे मिल्क नहीं है तो आई एम जस्ट हैविंग अ प्लेन ब्लैक कॉफ़ी. सो चलो लेट्स हैव. या ये हॉट केटल है, मैंने पानी गर्म करने ऑलरेडी रखा है. ये कप है, इस पर मैंने शुगर डाली है, डाल बट एंड कॉफ़ी साशी है. सो पानी गर्म हो चुका है तो आई मेक माई कॉफ़ी. होल्ड ऑन, मैंने इसमें कॉफ़ी डाली है, देख सकते हैं आप. तो लेट्स हैव, एंजॉय. आई जो मैं कॉफ़ी, मेरे हस्बैंड तो वहाँ चाय पीने गए हैं नीचे. वो कहते हैं ना ठेली की रेस्टोरेंट की चाय, ढाबे वाली चाय, तो वो एंजॉय करने गए हैं. मीनवाइल आई एम हैविंग माय कॉफ़ी. मुझे ना एक्चुअली बहुत भूख लगी थी. मैं सुबह में हरमाराट में निकलते वक्त मैंने जब बस एक कप कॉफ़ी पी ली थी, और जब हम घर पे रहते हैं ना नॉर्मली वी डोंट ईट,
हम घर का काम करते रहते हैं तो हमें भूख भी नहीं लगती है, और जब हम ट्रैवल करते हैं ना तो बाय गॉड बहुत भूख लगती है। तो मेरे हस्बैंड को कुछ वकोला में काम था सांता क्रूज में, तो मैंने उसको थोड़ा ज़िद किया एंड आई टोल्ड आई वांट समथिंग, आई वांट टू ईट अदरवाइज आई विल वॉमिट। तो मैंने बोला, तो उसने बोला ठीक है, देयर इज वन बेकरी ओवर हियर, यू टेक समथिंग, वियाना बेकरी बहुत ही फेमस है यहाँ पे। तो मैंने वहाँ से थोड़ा मतलब थोड़े लाइक पफ्स लिए, चिकन पफ्स लिए एंड आई टुक वन ब्रेड, बन कहते हैं उसको, स्वीट बन, आई टुक वन स्वीट बन फॉर मी। तो अभी काम आ गया मुझे खाने के लिए, तो चलो लेट्स हैव। ये है वो बन, देखिए मैंने ऑलरेडी पैकेट उसको छोड़ दिया और एक वाफल खा लिया था, इट्स वेरी टेस्टी, बहुत टेस्टी लगता है, एंड माई ब्लैक कॉफ़ी। सो तब तक मैं एंजॉय करती हूँ, आप मेरा वेट कीजिए। तो ये मेरे हस्बैंड है जो फिर से सर्वे करने लगे, आई डोंट नो व्हाई ही लव्स सो प्लेसेस, लाइक जो ग्रीनरी प्लेसेस होती है उसे बहुत पसंद है, ही रियली एन्जॉयज दिस नेचर एक्चुअली। तो यहाँ पे इवनिंग का सेटअप लग रहा है एक्चुअली, शायद डिनर सेटअप, तो आई थिंक मे बी ही इज़ एक्सप्लेनिंग। शाम की 8 बज चुके हैं, आई एम फीलिंग लिटिल हंग्री नाउ। तो ये मेरे पास बचे हुए करी, आई मीन चिकन पफ्स थे एंड वन एंड हाफ क्रोसॉन, आधा क्रोसॉन मैंने खा लिया था पहले लाइक इवनिंग टाइम्स। तो इसे मैं गरम कर रही हूँ, गुड गॉड यहाँ पे माइक्रोवेव है, तो आई विल जस्ट स्टार्ट। ओके डिनर नाउ। हम जा रहे हैं खाना खाने, हम अंदर ही खा रहे हैं, यहाँ पे बहुत ही ठंड है। सो दे हैड गिवन अस पाव भाजी, बहुत ही अच्छी पाव भाजी लग रही है, बहुत ही टेस्टी लग रही है। ब्रेड को बहुत अच्छे से फ्राई किया है बटर में, आई मीन पाव को, और एक बोल उन्होंने मसाला भात दिया है, पुलाव दिया है और 4 गुलाब जामुन दिए, ये 2 जन के लिए बहुत ही सफिशेंट है, और इसी के साथ पापड़ भी है। तो इट्स नेक्स्ट डे मॉर्निंग और हम लोग फ्रेश हो चुके हैं, और ये मेरे हस्बैंड हैं, हमारे जो ड्राइवर थे उन्होंने कहा मेरी एक फ़ोटो निकालिए सर, तो ये गए हैं उनकी फ़ोटोग्राफी करने। और अगर यही मैं बोलूँ तो है चल मैंने निकाल दा, ये करते हैं। तो देखिए ड्राइवर की फ़ोटो खींच रहे हैं। तो चलिए फोटोग्राफी तो हो गई इनकी, तो हम खाते हैं ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में मैंने मंगाया था पोहा और इन्होंने मंगाई थी मिसल पाव, ये दे आर गिवन एक्चुअली 4 ब्रेड्स, 4 पाव दिए थे और अच्छी क्वांटिटी में मिसल दिया था, ये है फरसान साल, जो ऑनियन वगैरह नींबू है सब दिया था, और ये थर्मस भर के चाय दिया था, या चाय ही था। सो ये बहुत ही टेस्टी लग रहा है और मैं मेरा पोहा इन्जॉय कर रही हूँ। चेकआउट कर लिया फिर से उन डेंजरस रस्तों पे, बहुत ही डेंजरस है, एंड नाउ वी आर गोइंग टू एक्विरा टेम्पल, ये यहाँ से करीब 45 मिनट्स का रास्ता है, तो हमने सोच लिया चलिए दर्शन करके ही जाते हैं जब यहाँ तक आया है, तो चलिए हम जाते हैं एक्विरा टेम्पल, मिलते हैं वहाँ पे।
तो हम एक्विरा पहुंच चुके हैं। मैंने ऑलमोस्ट यहाँ पे करीब 350 से 400 स्टेयर्स हैं भगवान मैंने पार कर लिए। तो यहाँ पे मैं टेंपल एंट्री कर रही हूँ, मैं आगे आपको दिखा देती हूँ, सो टेक अ वॉच। शेविन बोला याद है ना, हंसेगा नहीं तो। तो होप यू ऑल एन्जॉयड दिस व्लॉग, दिस इज़ माई फर्स्ट व्लॉग और आशा करती हूँ आपको पसंद आए। और इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए और मुझे फॉलो कीजिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टिल देन स्टे सेफ, बाय।